हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस के जन विरोधी नीतियों व बढ़ते बिजली बिलों को लेकर भाजपा ने धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। राज्य की कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मंगलवार को विधायक जोराराम कुमावत के नेतृत्व में भाजपा विधानसभा क्षेत्र के सुमेरपुर बांकली साणेवरा व तखतगढ़ भाजपा मंडल द्वारा उपखंड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर SDM ऋषभ मंडल को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए विधायक कुमावत ने कहा कि राजस्थान कांग्रेस सरकार सभी मोर्चों पर विफल हो रही है। राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ रही है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, दलित वर्ग पर लगातार अत्याचार और राजनीतिक पदाधिकारियों व सुनियोजित तरीके से हमले होना बिगड़ी कानून व्यवस्था को दर्शाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो राज्य में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। बिजली बिलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी कर रही सरकार बिजली की समस्याओं से लेकर सड़क, पानी और किसानों की समस्या सहित अन्य जनहित की समस्याओं से जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने बताया कि बिजली के बिलों में आए दिन बढ़ोतरी करना, अप्रत्यक्ष रूप से डर बढ़ाना और कई तरह से चार्ज लगाकर जनता पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। कोरोना काल में एवरेज बिल दिया और बाद में चार महीने के साथ बिल भेजने से उपभोक्ता के बिल में अचानक बढ़ोतरी हो गई, उसमें एवरेज बिल को समायोजित करना तो दूर रहा और ज्यादा यूनिट से टैरिफ रेट बढ़ने से बिल अधिक आने से जनता को दोहरा आर्थिक नुकसान हुआ। शहर में बिजली के झूलते वायर और झुके हुए विद्युत पोल दुर्घटना को निमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन विभाग के अधिकारियों पर कोई असर नहीं हो रहा। वहीं बार बार हो रही विद्युत कटौतियों से भी आमजन परेशान हो रहा है। क्षेत्र की जनता विद्युत विभाग की समस्याओं से त्रस्त है। किसानों की डिमांड राशि जमा करवाने के उपरांत भी बिजली कनेक्शन नहीं हो रहे हैं, कर्ज माफी व बेरोजगार भत्ती नहीं दिया। कांग्रेस सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफी और बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन आज दिन तक वादा पूरा नहीं किया। भारत सरकार द्वारा कोरोना काल से प्रभावित आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 5 रुपए किलो प्रति व्यक्ति गेहूं, चावल और 1 किलो दाल प्रति परिवार देने की घोषणा की गई है, जो अभी राजस्थान सरकार ने इन परिवारों को खाद्यान्न नहीं दिया, जिसे तुरंत प्रभाव से राज्य सरकार दिलवाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार में और भाई भतीजावाद में पूरी तरह डूब चुकी है। धरने को पूर्व विधायक गुलाब सिंह राजपुरोहित, भाजपा जिला मंत्री पूनम सिंह परमार, दीपक भाटी, मनोज नामा, महेंद्र माली, ललित रंगावत, उषा कंवर, गजेंद्र सिंह देवड़ा, लक्ष्मी नारायण गहलोत, प्रेमचंद बरूत, जिला उपाध्यक्ष नारायण कुमावत, महिपाल सिंह जोधा, गीता सोलंकी, राजेंद्र कुमावत आदि ने भी संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार की विफलताओं को गिनाया। इस अवसर पर भाजपा सुमेरपुर नगर मंडल, तखतगढ़ मंडल, बांकली मंडल और साणेराव मंडल के शिवराज सिंह भेटिया, पूर्व अध्यक्ष फूलाराम सुथार, गणेश भाटी, नटवर रामीणा, छगन सेन, इंदर सिंह, शंकर सिंह, भावना खटिक, शंकरलाल कुमावत, महावीर सिंह सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। जागरूक टीवी के सुमेरपुर से शंभूलाल परमार की रिपोर्ट।